जी, तो अगर आप बाइनांस के अंदर ट्रेडिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास बाइनेंस अकाउंट के अंदर बैलेंस कम है, या आप अभी बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि आप $1 से अपनी पहली ट्रेड स्टार्ट करें ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप बाइनांस एक्सचेंज के अंदर मिनिमम $1 से अपनी फर्स्ट ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बाइनांस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसको अपने आईडी कार्ड से वेरीफाई कर लेना है, तभी ही आप इसके अंदर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अंदर ट्रेड नहीं लगा सकते, ना डिपॉजिट कर सकते हैं, ना विदड्रा ले सकते हैं, जब तक आप अपने आईडी कार्ड से अपना अकाउंट वेरीफाई ना कर लें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है? आपने क्लिक करना है यहाँ पर इस आइकन के ऊपर, और उसके बाद इस तरह आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाइड का। अगर तो आपके पास वेरीफाइड है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास होगा वेरीफाई, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की पिक्चर देनी है, और उसके बाद आपने अपने खुद की एक सेल्फ़ी देनी है। आपका अकाउंट जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आएगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर डिपॉजिट कर लेना है $1। अब $1 से आपने किस तरह ट्रेड लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास इस वक्त $2 है और जो USDT हैं वो मेरे पास 1 USD है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इससे ट्रेड लगा के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ट्रेड्स के ऊपर, और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पेयर सेलेक्ट करना होता है जिस पेयर के अंदर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक करना होता है और इधर सबसे पहले हमने लिखना है USDT कि हमारे पास USDT है। आपके पास 1 USDT है, आप उससे ट्रेड लगाना चाहते हैं, और साथ में आपने कौन सा कॉइन लेना है वो आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है, मैं इधर से LTC यानी कि लाइट कॉइन को सर्च कर लेता हूँ। ये लाइट कॉइन और USDT इसका पेयर आ चुका है हमारे पास, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और अभी देखें तो इसकी प्राइस चल रही है तकरीबन $65 कि एक LTC कॉइन हमें $65 का मिल रहा है। अब हमने यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 100% कर देना है और बाय LTC के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर देखें तो वो कह रहा है कि आपका बैलेंस जो है वो $10 से कम है, अगर आपके पास $10 से ज़्यादा होगा तब आप ये ट्रेड लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको LTC $1 से ले के दिखाऊँगा वो कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने वॉलेट के ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर देखें मेरे पास USDT हैं, मैं इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ रबल में। कैसे? यहाँ पर हमने क्लिक करना है जस्ट ट्रेड के ऊपर, यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है और इधर हमने क्लिक करना है दोबारा, इस पेयर की बजाय हमने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है रबल टू USDT, RUB रबल, और इसके साथ USDT का पेयर होना चाहिए। यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेल के ऊपर और यहाँ पर मैं 100% कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास $1 है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तकरीबन 69 रबल। अगर आप 100% के ऊपर यहाँ पर नहीं क्लिक करते तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अपना बैलेंस यहाँ से सेल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कि आप यहाँ पर लिख देते हैं अपने डॉलर डायरेक्ट, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ किया मैं $2 लिख देता हूँ, अब मुझे $2 के बदले में 139 रबल मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेल USDT के ऊपर, क्योंकि मेरे पास तकरीबन जो है वो $2 का बैलेंस है। अभी मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये ऑर्डर मेरा लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्डर है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑर्डर जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर अभी कम्प्लीट हो जाएगा। अभी मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि वही बैलेंस है मेरे पास। यहाँ पर देखें
2,36 डॉलर है, और ये अभी कन्वर्ट हो जाते हैं। तकरीबन हमने 1 मिनट का इंतज़ार कर लेना है, अभी ये ट्रेड नहीं कंप्लीट हुई। जी तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा था अभी वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेरे USDT जो हैं वो कट चुके हैं, और मैं अभी यहाँ पर बाइक ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मेरा बैलेंस इधर भी आपको रबल में शो हो रहा होगा, और यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर हम आ जाते हैं, और इधर सपोर्ट के अंदर, और यहाँ पर अब मेरे पास USDT नहीं है बल्कि मेरे पास रबल है। अब मेरा जो मेन बैलेंस है वो रबल में शो होगा, वैल्यू वही है 2 डॉलर की। ठीक है, अब दोबारा आपने चले जाना है यहाँ पर ट्रेड के ऊपर, जैसे मैं जा रहा हूँ। अब इधर आपने दोबारा से LTC को सिलेक्ट करना है। अब आपका मेन बैलेंस रबल है, अब USDT नहीं है। अगर आप रबल के थ्रू ट्रेड लगाते हैं ना, तो फिर आप कम से कम अमाउंट से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इधर मैं फ़र्ज़ किया रबल ही लिख देता हूँ, और इसका LTC के साथ पेयर, सॉरी दोबारा से, जी तो यहाँ पर देखें तो LTC टू रबल है, इसके ऊपर अभी हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक बाय का और एक सेल का। अभी बाय के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पर 100% कर देते हैं। अब जो मेरे पास रबल है 145, वो कट होंगे और मुझे 0.032 लाइट कॉइन की स्टोशी मिलेगी, जैसे ही मैं बाय LTC के ऊपर क्लिक करूँगा। जी अब देखिए मेरा ये ऑर्डर लग चुका है, अभी ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब हमने USDT टू LTC के अंदर ये जो ऑर्डर लगाया था वो नहीं लगा था, और हमें एक नोटिफिकेशन शो हुआ था कि आपका बैलेंस जो है वो 10 डॉलर से कम है, 10 डॉलर से ज़्यादा होगा तब भी आप इसके अंदर ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन अब वो ऑप्शन हमारे पास नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर वॉलेट के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको कि तसल्ली हो जाए कि मेरा बैलेंस उतनी ही वैल्यू का है। ठीक है, लेकिन ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो रही है। अभी दोबारा ट्रेड के अंदर हम आ जाते हैं। जी तो अभी आप यहाँ पर देखें तो ये भी हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास LTC आ चुका है। अभी मैं यहाँ से वॉलेट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखें लाइट कॉइन की स्टोशी हमारे पास आ चुकी है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2 डॉलर है, और रबल हमारे काट हो चुके हैं, जो कि 2 रबल हमारे पास बकाया है। अब दोबारा हमने यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने अर्निंग किस तरह करनी है, किस तरह ट्रेड लगानी है कि हमें प्रॉफिट हो ना कि हमें लॉस हो। तो कोई भी चीज़ आपने बाय या सेल करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ देख लेना है, ग्राफ के ऊपर आपने क्लिक करना है, और इस ग्राफ को आपने फॉलो करना है। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो आपको कैंडल शो हो रही है, आप इसको लाइन में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, अब यहाँ पर देखें इसकी जो प्राइस है वो हर वक्त चेंज हो रही होती है, यानी कि कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। इसकी जब प्राइस यहाँ पर हो आपने इसको बाय करना होता है, और जब ऊपर जाए तो आपने इसको सेल करना होता है, फिर दोबारा नीचे आए तो आपने बाय करना होता है, और ऊपर जाए तो आपने इसको सेल करना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, दोबारा वापस आ जाना है और अपने ऑर्डर के ऊपर, और आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है, और आपने यहाँ पर इसको देखना है, इसकी जो नेट प्राइस चल रही है, मार्केट प्राइस चल रही है, इसके ऊपर आपने किसी भी कॉइन को बाय नहीं करना, बल्कि आपने इसको कम कर देना है। अभी जो यहाँ पर प्राइस होगी और यहाँ पर ये सेम होगी, अब आपने इसको एक दफ़ा रिमूव कर देना है, और यहाँ पर इसको आप 50 कर लें, और अब आप यहां पर 100% के ऊपर क्लिक करें और बाय LTC के ऊपर क्लिक कर दें। यानी कि ये जब 4570 से 4550 तक आएगी, नीचे इसकी वैल्यू आएगी, तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपको LTC मिल जाएगी कम प्राइस के ऊपर। ये रात को हो जाए या जिस वक्त भी हो जाए, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या 1 दिन के बाद हो जाए, ये हो जाएगी। ठीक है, इसकी यानी कि इसकी प्राइस डाउन हो जाएगी और आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिक कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है, और इसकी प्राइस को आपने इंक्रीज़ कर देना है।
और आपने 100% के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने सेल कर देना है, तो आपको एक ऑर्डर लग जाएगा जहाँ से आपने इसको ख़रीदा था उससे तकरीबन 2-3% ऊपर आपने ऑर्डर लगा देना है। और जैसे ही आपकी ये जो कॉइन होगा जो आपने बाय किया होगा उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपका जो ऑर्डर है वो कम्प्लीट हो जाएगा, आपकी सेलिंग हो जाएगी। तो आप लो प्राइस के ऊपर किसी भी चीज़ को बाय करेंगे और हाई प्राइस के ऊपर सेल करेंगे, तो दरमियान में आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके बैलेंस के ऊपर कि कितना आपके पास बैलेंस है, उसी हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होगा जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।